हेलो माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स आउट देयर, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज़ ब्यूटीफुल यू। और आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी हाउ टू लेयर योर स्किन विद द डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड्स एंड आल्सो हाउ यू कैन यूज़ दिस इन योर स्किन केयर रूटीन। फर्स्ट ऑफ ऑल, एसिड्स का नाम सुनकर आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, बिकॉज जिन एसिड्स की मैं आपके साथ इस वीडियो में बात करने वाली हूँ, वो एसिड्स आपकी स्किन को एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ दो एसिड शेयर करूँगी जो आपकी स्किन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एसिड्स हैं, फर्स्ट सैलिसिलिक एसिड और दूसरा हाइलुरोनिक एसिड। ठीक है, इन दोनों की डिटेल्ड करेंगे और आपको कैसे यूज़ करना है ये भी बताएंगे। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे एसिड्स स्किन के लिए अवेलेबल हैं, बट जो एकदम बेस्ट हैं और आपकी स्किन के लिए एकदम एक्चुअली यूजफुल हैं वो मैं शेयर करूँगी। सो बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में मैं आपके साथ दो एसिड शेयर करूंगी और एक्चुअली में हम लोग यूज़ करेंगे प्रोडक्ट लॉरियल पैरिस। और इनको कैसे आपको लेयर आउट करना है, कैसे यूज़ करना है लॉरियल पैरिस के प्रोडक्ट के थ्रू, तो वो हम लोग अब इस वीडियो में शुरू करते हैं। फर्स्ट बात करते हैं सैलिसिलिक एसिड के बारे में, जो कि आपके स्किन को एक्सफोलिएट करता है, आपके पोर्स को क्लीन करता है और आपकी स्किन को एक्ने फ्री बनाने में हेल्प करता है। बात करें हाइलुरोनिक एसिड की, तो वो सबसे ज़्यादा फेवरेट है, मतलब वर्ल्ड वाइड जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं उनका फेवरेट इंग्रेडिएंट स्किन केयर रूटीन के लिए माना जाता है। हाइलुरोनिक एसिड ये ऑलरेडी स्किन में अवेलेबल होता है, बट बढ़ती उम्र के साथ ये कम होने लगता है। बट हम कुछ इस टाइप के इंग्रेडिएंट्स को अपनी स्किन केयर में रूटीन में हमें ऐड करना चाहिए, जिससे जो इसकी नीड है हमारी स्किन के लिए हाइलुरोनिक एसिड की वो फुलफिल हो सके। हाइलुरोनिक एसिड को स्किन के लिए एक मॉइस्चर मैग्नेट भी बोलते हैं, क्योंकि ये अपने वजन से 1000 गुना ज़्यादा पानी को होल्ड करके रखने की क्षमता रखता है। सो इसकी इस पावर की वजह से ही आपकी स्किन का जो मॉइस्चर है वो लॉक रहता है, आपकी स्किन ज़्यादा प्लम्प रहती है, रेडिएंट रहती है। इसीलिए बोला जाता है कि हाइलुरोनिक एसिड जिन इंग्रेडिएंट्स, मतलब ये इंग्रेडिएंट जिन प्रोडक्ट्स में, उन प्रोडक्ट्स को यूज़ करें। मैंने अपनी स्किन केयर रूटीन में इन एसिड्स को ऐड किया है विद द लॉरियल पैरिस क्रिस्टल माइक्रो एसेंस। लॉरियल पैरिस हाइलुरोनिक एसिड 1.5% सीरम एंड लास्ट लॉरियल पैरिस हाइलुरोनिक एसिड प्लम्पिंग डे क्रीम। ये तीनों ही प्रोडक्ट ऑलमोस्ट आप सभी लोग जानते हैं, ये ऑलमोस्ट सेफ हैं और सबसे अच्छी बात, एक साथ अपनी स्किन पर लेयर करके इनको यूज़ किया जा सकता है। साथ ही इन तीनों ही प्रोडक्ट में है राइट अमाउंट ऑफ एसिड्स, जो कि आपकी स्किन पर बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद द लेयरिंग। लेयर करने के लिए कुछ एक रूल होता है, इस रूल के अकॉर्डिंग आपको जो लाइट प्रोडक्ट है, जो आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा लाइट है, उसको आप फर्स्ट लेयर करोगे एंड देन लास्ट में हम हैवी जो होता है वो प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं। जैसे कि एसेंस सीरम से लाइट होता है और जो सीरम है वो मॉइस्चर से लाइट होता है, तो इसी तरह हम लोग इसको लेयर आउट करेंगे। फॉर वी टॉक अबाउट अवर फर्स्ट लेयरिंग प्रोडक्ट, दैट इज लॉरियल पैरिस क्रिस्टल माइक्रो एसेंस। देखिए लास्ट ईयर, उससे पहले जब ये लॉन्च हुआ था तभी से मेरे पास है और आप चैनल पर देख भी सकते हैं इसका वीडियोस कितने सारे, बिकॉज आई लव दिस प्रोडक्ट। व्हाई? बिकॉज इसमें जितना ये एक वाटरी टेक्सचर एसेंस है जो आपकी स्किन के लिए बहुत ही लाइट वेट है और इसका रेगुलर यूज आपकी स्किन को रेडिएंट और प्लम्पी बनाता है। और सबसे अच्छी बात, इसका जो लाइट वेट है आपकी स्किन में बिल्कुल भी हैवीनेस नहीं आने देता। वन मोर प्लस पॉइंट इज दैट कि ये आपकी स्किन को टैन लेयर तक डीपली रिपेयर करता है, पेनिट्रेट करता है। इसमें सैलिसिलिक एसिड है जो आपके स्किन के रिन्यूअल प्रोसेस को फास्ट कर देता है, एक्सेलेट करता है, साथ ही स्किन को माइंडली एक्सफोलिएट भी करता है। साथ ही सैलिसिलिक एसिड होने की वजह से आपके जो स्किन में पोर्स हैं उनको मिनिमाइज करता है और आपके स्किन के टेक्सचर को बहुत ही अच्छे से इम्प्रूव कर देता है। साथ ही आपकी स्किन से डेड स्किन को एक्सफोलिएट करता है, एक्ने को रिड्यूस और ब्लेमिशेस को ख़त्म करने में हेल्प करता है। सबसे अच्छी चीज़, ये एकदम सूटेबल है एक्ने प्रोन स्किन के लिए लाइटवेट होने की वजह से। लेट्स टॉक अबाउट अवर सेकेंड प्रोडक्ट, दैट इज लॉरियल पैरिस हाइलुरोनिक एसिड 1.5% सीरम। इस प्रोडक्ट में है राइट अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइलुरोनिक एसिड।
बिकॉज ऑफ राइट अमाउंट ऑफ हायलोनिक एसिड लाइक 1.5%, इसी वजह से जो कि स्किन रेडिएशन को 42% तक बढ़ा सकता है, और इसी के साथ आपकी स्किन को मिलती है इंटेंस हाइड्रेशन। ये अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल माइक्रोसेंस थोड़ा सा थिक है, बट स्टिल मैं बोलूंगी कि बहुत ही ज्यादा जल्दी आपकी स्किन में ऑब्जर्व हो जाता है। फाइनल एंड वन ऑफ माई फेवरेट डे क्रीम, दैट इज लॉरियल पेरिस रिवाइटलिफ्ट हायलुरोनिक एसिड प्लम्पिंग डे क्रीम। इसका जो टेक्सचर है इन तीनों प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा थिक है। इस क्रीम में है माइक्रो हायलुरोनिक एसिड मॉलिक्यूल्स जो कि आपकी स्किन में डीपली जाकर आपकी स्किन को रिपेयर करते हैं, प्लम्पी बनाते हैं, रेडिएंट बनाते हैं। इसका जो रिजल्ट है वो लॉन्ग लास्टिंग है आपकी स्किन पर। ये क्रीम ट्रांसल्यूसेंट पर्ली जेल टेक्सचर के साथ आती है, और इसका जो क्रीमी टेक्सचर है वो आपको सच बोलूँ तो एकदम दीवाना कर देने वाला है, बिकॉज सो वेलवेटी टच आपको स्किन को देता है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्चराइज बनाता है। तो चलिए आपके साथ एक मैं अपना स्किन केयर रूटीन शेयर कर लेती हूँ कि किस तरह से मैं इन प्रोडक्ट्स को अपनी स्किन केयर रूटीन में यूज़ कर रही हूँ और कैसे लेयर आउट कर रही हूँ। प्रोडक्ट एप्लीकेशन से पहले आपको मेक श्योर कि स्किन क्लीन हो, तो मैंने फेस वॉश कर लिया है और अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ लॉरियल पेरिस क्रिस्टल माइक्रो एसेंस। इसकी फ्यू ड्रॉप्स लेनी है आपको अपने हाथों पर और अच्छे से डैप डैप करके अप्लाई करना है। ये बहुत ही लाइट वेट होता है, वाटरी टेक्सचर होने की वजह से स्किन में जल्दी से चला जाता है और आपकी स्किन को क्रिस्टल क्लियर बनाने में हेल्प करता है। कुछ सेकेंड के बाद मैं अप्लाई करूँगी लॉरियल पेरिस हायलुरोनिक एसिड 1.5% सीरम। ये सीरम स्किन में इंस्टेंटली हाइड्रेशन और रेडियंस देता है, जिससे आपकी स्किन ज़्यादा ब्राइट लगती है और ज़्यादा प्लम्पी नज़र आती है। इस सीरम का रेगुलर यूज़ आपकी स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव कर आपकी स्किन को ज़्यादा ग्लोइंग बनाता है। एसेंस एंड सीरम के बाद लास्ट और फाइनल आपको सबसे हैवी चीज़ लेयर अप करनी है, जो कि लास्ट है हमारी लॉरियल पेरिस रिवाइटलिफ्ट प्लम्पिंग डे क्रीम। इस क्रीम को आपको लास्ट में लगाना है। ये क्रीम फुल डे आपकी स्किन में हाइड्रेशन को लॉक रखती है, मेंटेन रखती है। आपको एक पी साइज अमाउंट लेकर अपनी स्किन पर इसको अच्छे से अप्लाई करना है। इन प्रोडक्ट का रेगुलर यूज़ आपके स्किन केयर रूटीन में ऐड होने के बाद आपके स्किन टेक्सचर को इम्प्रूव कर सकता है। एक क्विक बिफोर एंड आफ्टर मैंने आपको एप्लीकेशन से पहले और बाद में दिखाया है। एक लंबे वक्त से मैं इन तीनों ही प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट लॉरियल पेरिस के जितने मेरे फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं इनको मैं लंबे टाइम से यूज़ कर रही हूँ। ना कि सिर्फ मेरी स्किन का टेक्सचर इम्प्रूव हुआ है, बल्कि अंदर से मेरी स्किन बहुत ही अच्छे से रिपेयर, हाइड्रेट और प्लम्पी नज़र आती है। जहाँ एक तरफ इन प्रोडक्ट्स में सैलिसिलिक एसिड है, वहीं दूसरी तरफ इसमें हायलुरोनिक एसिड है। तो मैं बोलना चाहूँगी कि ये ऑलमोस्ट प्रोडक्ट अच्छे से आपके स्किन पर वर्क करते हैं। इनको अपने स्किन केयर रूटीन में आपको ज़रूर ऐड करना चाहिए। नॉट ओनली आप बोलेंगे कि इसको मैं बोलूँ कुछ वीक या फिर कुछ दिनों, बल्कि आपको इनको डेली अपनी स्किन केयर में रूटीन में यूज़ करना चाहिए। लॉरियल पेरिस के प्रोडक्ट्स में इन सभी एसिड्स का जो अमाउंट है वो एकदम राइट अमाउंट लिया गया है, ताकि आपकी स्किन को विदाउट एनी हार्श अच्छे से रेडियंस, मॉइस्चर, प्लम्पी और ग्लोइंग बनाया जा सके। तो आप इनको अपनी स्किन केयर रूटीन में यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको इन सभी प्रोडक्ट्स के लिंक जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, जो कि नीचे है, आप एक बार जाकर ज़रूर चेक कीजिएगा। बट आवर फर्स्ट प्रोडक्ट दैट इज़ लॉरियल पेरिस क्रिस्टल माइक्रो एसेंस, ये आपको तीन साइजेस में अवेलेबल है, ठीक है। फर्स्ट जो साइज़ है वो है 130 ml, सेकेंड है 65 ml एंड लास्ट सबसे छोटू पैक 22 ml। लॉरियल पेरिस क्रिस्टल माइक्रो एसेन 1.5%, ये आपको दो साइजेस में अवेलेबल है। फर्स्ट जो कि है 30 ml एंड सेकेंड जो कि है 15 ml। लॉरियल पेरिस रिवाइटलिफ्ट हायलुरोनिक एसिड प्लम्पिंग डे क्रीम, ये भी आपको दो साइजेस में अवेलेबल है। फर्स्ट 50 ml एंड सेकेंड 15 ml। तो आप इसका छोटू पैक भी ट्राई कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, आप क्या कर सकते हो ना, छोटू पैक से भी ट्राई कर सकते हो, आपको अच्छा लगेगा ना, इफेक्ट अच्छा आएगा, आपकी स्किन का टेक्सचर आपको इम्प्रूव दिखे, तो आप फटाफट इसके साइज को बिग कर सकते हो। सो आई होप गाइज यू एंजॉय दिस वीडियो। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिटिल देन टेक केयर, बाय बाय।